sana gawat. Alam pa lang na dahil labi yan eh. Labi sa nga may turner na wotos. Diyan mara di karo. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और एक अनोखी किस्म के शिकार की तरफ लेकर जा रहे हैं। वादिये डोक पठान की तरफ चूम का शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं जनाब। इस सब्ज़ी का स्पेशल शिकार किया जाता है, ये वाहिद सब्ज़ी है जिसका शिकार किया जाता है, ढूँढी जाती है, जिस तरीके के साथ आप किसी मछली का शिकार जाते हैं, खरगोश का जाते हैं, तीतर बटेर का जाते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। सेम वही रूटीन है। वादी डोक पठान में हम इंटर हो चुके हैं। वादी डोक पठान की उतराई उतर हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलाका है। यहाँ पर बहुत ही संगलाख और सख्त किस्म के पहाड़ हैं, दरख्तों से ढके पड़े हैं, पहाड़ी है, सख्त इलाके भी हैं और नरम इलाके भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। गाज़ी आबिद आपके सामने एक हाथ से व्लॉग बनाते हुए और एक हाथ से बाइक राइड करते हुए वादी डोक पठान में इंटर हो चुके हैं। ये सामने आपके सामने जनाब दाईं साइड पे बाईं साइड पे भी जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हमने इन्हीं पहाड़ों की तरफ जाना है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो इस व्लॉग में आपको शिकार का शिकार है, हंटिंग की हंटिंग आपको मिलेगी और मज़े की बात यह है कि आउटिंग अलहदा, सब्ज़ी अलहदा, सेहत अलहदा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जनाब शिकार है। हमारे साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। यहाँ पर हम अक्सर औकात फ़िश हंटिंग के लिए भी आते हैं, जो आपको अभी दिखा रहे हैं। एक पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसके नीचे से पानी बह रहा है, बहुत बड़ा स्वां है, एक दरिया किस्म की है, मतलब एक है सेम जिस तरीके के साथ दरिया का पानी होता है, इतना ही चौड़ाई है इसकी। इसको हम वादी डोक पठान का स्वां बोलते हैं, स्वां यानी पानी, बहता पानी। इसमें फ़िश हंटिंग की भी वीडियो आपके सामने शेयर की गई थी, इंशाल्लाह आपको वो भी आपने देखी होगी, बहुत मज़ा आया होगा आपको इंशाल्लाह। तो आज अब आपको चूँ का शिकार दिखाते हैं। सब टोके ने सारा सारा ना ये भी लगा देना आप तो गल रही हैं अंदर तो फिर भी जो सर क्या है ना ये बाटा मान होना है वो बेचे रहने हैं सारा बेचे रहना तो वही कब मुकिर सा ना कीड़ो ना ये पेड़ के कटो वो सारा बेचे कोड़ा निकल रहा है इन्हें वो देखकर नहीं रहना बात यार उधर पीछे मैं तो शहजाद के नाम है आया मौसम ना खड़ी हैं उन हल्के हल्के पीले रंग चाहिए ते अच्छा यार चूंगा ना ना हर बूटे ना वहीं के सलामी एक बार मारनी पौनी ना रहा अभी बहन मारे थे कोई तोड़ना खाना सौ खिरा थोड़े हैं माशाल्लाह सही कर के साफ कर के बंदे फोटो साफ कर कुत्ता रहा पहले ऊपर पहले कुत्ता रहा हूँ इस छुड़न ना और कुत्ता रहा कि नहीं कुत्ता रहा फोड़ तो क्या नवी जड़ी पे गिना नहीं गिना था कोई ना थारो जगह सावन है ना हाँ ना अगर थारो जगह सावा आई ये रे समझो भाई थले बस बी डटो सी थले भी हो समझो नहीं इस आगे पीछे बूटे हो से सही और होया ना तो कहने नहीं सही दब हो रही है नहीं नहीं मेरे से गलत करना है ना ओए और तरन बंद बढ़िया सा कट ली जो गिला भई आ असही बैड मारनी है ये तू तक ने फिर जड़ थले से ना वे
मार गड़ पर कोई समझ नहीं आनी पी है ना अड़िया पी सी ਸ਼ਾਨੀ ਰਾ ਦੋਣੀ ਲਾਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਰਸਾਂ ਡੁੜੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਾਰੀ ਹੈਂ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਬਣਨੀ ਪਈ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਖੁਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਵਾ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ हाँ यार डिंगरी अच्छे गने आना फिर जी बड़ी गल पठाना तां बहुत जमी कौन हो फुटी कौन हो ये भी हो सकने ये पठान है पर पास में रहने ना मोड़ो अच्छे गिने ये कौन तक कहने कड़ा पता नहीं है भैया ਡੂੜਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਕਤਲਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਤੋਂ ਆਓ ये बूटा पर सही फुल हो गया ना मतलब मैं तो बस आई हैं मैं आखना साढ़े तो बस आई उस टाइम से खुद है करोना में करोना किस की ये पौधा आप देख रहे हैं हमने इनको ऊपर से तोड़ा है यानी इसके जड़े हमने छोड़ दी हैं नहीं थोड़े घाट कर पाँच सात किलो पाँच सात छिटा के हो सकते बूटा चंगा ही माशाला है पता लगा ही तू आना भी थल आओ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੁੱਡ ਗਈ ਸਾਂ ਉਹ ਜਲੇ ਵਾਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡੁੱਡਿਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੁੱਡਿਆ ਸਾਂ ਹੈਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਾਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਗ ਮੁੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲਾ ਜੀ ਮੋਚ ਰਾਜ ਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਖਰਤੀਆਂ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆ ਬਾਦ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਡੁੱਡ ਗਾਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਢੁੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਦੀ ਛੋੜਾ ਘਰ ਉਹ ਜਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਢੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦੂ ਛੋੜ ਆਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਬੰਨਾ ਯਾਰ चलो माशाल्लाह जी आज हमारा बेहतरीन किस्म का चुंगों का शिकार लग गया जी मलिक हाजी हारून साहब की ज़ेर निगरानी माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है जी क्या बात है माशाल्लाह ये जनाब इनको ऊपर ऊपर से तोड़ेंगे ताकि ये पीछे आने वाले हमारे भी दोस्तों भाइयों के लिए ये फायदेमंद साबित हो हैं मालिक दसन के दोबारा हो
अल्लाह अकबर। और यार है बूटे भी थली भी खलोता ताक तो सही यार है भी खलोता ये देखा ये जनाब हम छोटे छोटे पौधे ही हैं ये देख रहे हैं आप ये वाले भी ये देख रहे हैं आप और ये भी है इधर देख रहे हैं ये देखें आप इनको हम छोड़ते जा रहे हैं ताकि ये नेक्स्ट कोई बंदा पीछे शिकार है उनके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ बच जाए ठीक है जी। ये जनाब अल्लाह तबारक तआला की ज़ात का है कि इनको पर्दा है स्पेशल ये देखें आप तकड़ दे बूटे तकड़ दे असा ये देख रहे हैं आप छोटा सा कद गया उत कर कद की यार ये देख रहे हैं आप जी ये बंदे इनके पास से गुजरते लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ है। चलो जी बिस्मिल्लाह करो तोड़ लेंगे इसको भाई तो नाखन मेरे सहर ये देख रहे हैं कि हमने इसकी जड़ छोड़ दी है ये इंसानियत के नाते आप छोड़ दी करें ताकि ये पौधा नशोनुमा करे इसका बीज ख़त्म ना हो ठीक है जी। मुश्किल रास्तों से गुजर के आए जी हमने चूमू का शिकार किया आज लतें गोडे फटा के लतें गोडे की भाई सामने जनाब ये चढ़ाई सर करते हुए